देश के दिल मध्य प्रदेश से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत लगाव रहा है। दिल्ली के बाद बापू की दूसरी समाधि यही मौजूद है। इसे 2017 में डूब क्षेत्र में आने के चलते प्रशासन ने कुकरा बसाहट में विस्थापित किया था। नदी के किनारे बसा कुकरा गांव देश का ऐसा इकलौता स्थान है जहां तीन महान हस्तियों की समाधि एक साथ बनी हुई है। जनवरी 1965 में गांधीवादी काशीनाथ त्रिवेदी ने गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा और गांधी जी के सचिव रहे महादेव भाई देसाई की अस्थियां लाकर नर्मदा किनारे इस ऐतिहासिक समाधियों की नींव रखी थी, जो 12 फरवरी 1965 को बनकर तैयार हुआ था, जिसे राजघाट नाम दिया गया था। लेकिन बापू की जयंती हो या पुण्यतिथि, ज़्यादातर समय यहाँ सन्नाटा ही पसरा रहता है। 12 फरवरी के दिन हर साल बड़वानी तहसील में शासकीय अवकाश के साथ ही बापू की स्मृति में सर्वोदय मेले का आयोजन किया जाता है, जहां लोग उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर बापू को याद करते हैं। हालांकि बदलते वक्त के साथ इस स्थान को लेकर प्रशासन का नज़रिया भी बदलता गया। बड़वानी कलेक्टर अमित तोमर ने समाधि स्थल पहुंचकर गांधी जयंती पर पुष्प अर्पित किए व इसी के साथ गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बड़वानी में स्वच्छता रैली का आयोजन कारंजा चौराहा से बस स्टैंड तक निकली। विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म में बैनर को साथ लेकर रैली में उपस्थित हुए व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी पॉलीथीन के दुष्परिणाम को लेकर नुक्कड़ नाटक किया व नगर पालिका बड़वानी ने भी स्वच्छता रैली निकाली व स्वच्छता का संदेश दिया और पॉलीथीन जब्त की। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। सर, आज क्या कार्यक्रम है और किस तरह का प्रोग्राम रहे हैं? कि आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन का कार्यक्रम रखा गया था। इसके तहत एक स्कूल के छात्र, कॉलेज के छात्र और नगर पालिका कर्मचारी और गांव के कुछ लोगों द्वारा लोगों को संदेश दिया गया कि प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दी गई है। इसके कारण प्लास्टिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया और उसको जो उपयोग करेगा का परिवहन होगा या जिसकी दुकान पे संग्रहित की जाएगी उन लोगों पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक को छोड़ते हुए कपड़े की थैली या जूट के बैग का उपयोग करने के लिए शपथ भी दिलाई गई और वही कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम के तहत झंडा चौक में बड़वानी में विधिक सहायता द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा भी नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था, जिसके तहत भी प्लास्टिक बैन का संदेश दिया गया लोगों को। और आज हमारे भोपाल से एक स्वच्छता प्रभारी बनाए गए राजीव गोस्वामी साहब, अधीक्षण यंत्रीय संचालनालय भोपाल के, उन्होंने एक होटल पे छापा मारा आशीर्वाद कचौड़ी के पास में, तो वहाँ से एक 25 किलो के आसपास के विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के वस्तुओं को जब्त किया। उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। श्रमदान भी किया जा रहा है? श्रमदान हम लोग, चूँकि हमारे पास पॉलीथीन गाँव में सफाई ठीक ठाक है, पॉलीथीन इधर उधर मिल नहीं पा रहा, तो हम लोग टेंचिंग ग्राउंड पर ही जा रहे हैं। वहाँ थोड़ी पॉलीथीन वगैरह है और जो भी गंदगी है तो हम लोग सभी नगर पालिका के कर्मचारी, सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग सभी जा रहे हैं और वहाँ पर श्रमदान करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो घाटी के हालात है, तो गांधी जी ने जो अहिंसक आंदोलन चलाया था, आप भी अहिंसक आंदोलन चलाते आ रहे हैं, काफ़ी समानताएँ हैं, तो क्या शासन प्रशासन और क्या घाटी के लोगों को संदेश दे रहे हैं? आज नर्मदा घाटी गांधी जी को आज की परिस्थिति में सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण मार्गदर्शक ही नहीं, राष्ट्रपिता और जगत पिता मानने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। और आज हमारे 34 साल के आंदोलन में जिस सत्य और अहिंसा का आधार लिया, उसको ही आज भी पकड़कर एक स्तंभ मानकर न केवल जनतंत्र का पर जीवन का हम लोग आगे बढ़ने की प्रेरणा गांधी जी से लेना चाहते हैं। आज नर्मदा घाटी में गांव गांव की हत्या हुई है, खेती की हिंसा हुई है, आज मवेशियों की भी जान हथेली पर खड़ी। और ऐसी स्थिति में जिन सबसे पुरानी नर्मदा घाटी की संस्कृति का और प्रकृति का जिन्होंने हत्या करके खात्मा किया, उनको गांधी जी को छूने का या पूजने का कोई अधिकार नहीं। विकास की अवधारणा में आज हिंसा है, सर्वधर्म समभाव न मानते हुए सांप्रदायिक और जातिवादी हिंसा फैली हुई, और शिक्षा जैसे क्षेत्र में भी एक हिंसा का वातावरण है आज। इसीलिए रोजी रोटी का भी खात्मा विनाशकारी दिखाई देता है। तो गांधी जी ने न केवल आर्थिक
बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक भी संकल्पना विकास के तहत गठित की। उतना सर्वांगी विचार आज दुनिया में किसी ने नहीं लिया। फिर भी हम गांधी, फुले, अंबेडकर, मार्क्स, लोहिया, पेरियार सबके पास से कुछ कुछ विचार बिंदु लेकर ही हमारा आंदोलन चलाते आए। आज हम लोग यहाँ राजघाट खत्म किया गया, पर जो समाधि यहाँ है उसके ही पाँव में आए हैं। और ये हिंसा बंद करो, सरदार सरोवर के गेट खोलकर गांव को फिर से बचा खुचा जीवन जीने दो। और शिक्षा में हमारे जीवन शाला के हजारों बच्चे आज शहादा के पास जीवन नगर में एकत्रित होकर वो भी नारा दे रहे हैं कि शिक्षा में भी हिंसा का विचार मंजूर नहीं है। आज शाम को हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।